हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम दिख नहीं रहे, एकदम अंधेरा हो रखा है ना। सुबह के 3 बज गए, मैं नहा चुकी हूँ। अब मेरा नहा के हम ना हलवा पूरी बना लिए हैं और अभी ना लाइट हम ऑफ कर दिए हैं, इसलिए कि ना बाबू थोड़ा सा उठने का शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखिए, मैं हलवा बनाया हूँ ना, अभी गर्म है तो पानी में करके रखे हैं एक थाली में। पूरी भी बना के रखे हैं। अब मैं ना यहाँ नीचे करूँगी तैयारी। इसी साड़ी से देवी मैया बनाई जाती है। ये को भी हम ना जल दे दिए। यहाँ से एक जोड़ा पूरी का जो होता है ना, उठा के जाता है शीतला मैया के पास। मेरा ना सारा काम हो गया है। मंदिर में भी ना मैं पूजा सुबह ही कर ली थी। यहाँ पे पूजा करने के बाद ना मंदिर में पूजा कर ली थी, उसके बाद हम चाय वाय बना के पिए थे। मक्का जो रात का बचा था वही लेके ना बालकनी में भी मैं बैठी थी, छिल रही थी। ये मक्का हम तल भी रहे हैं, एक ही था, हम फिर तल देते हैं। और यहाँ पे हलवा निकाल लिए हैं इस कढ़ाई से। ये कढ़ाई ना आज नहीं माजी जाएगी, ये कढ़ाई कल सुबह माजी जाएगी। अब ये मतलब हमारे इधर ना ऐसे ही होता है, इनका बासी सामान से पूजा भी होता है। जो कढ़ाई में हलवा पूरी बनता है ना, ये कढ़ाई भी आज नहीं माजी जाएगी, कल सुबह। यहाँ पे मैं ना बोड़े की सब्जी बनाऊंगी, चौली की, आलू की। पहले क्या बेटा? हाँ, पूजा कर लिया, पैर पढ़ लेना, पूछ रहा है शिवा उठा है, पूजा कर लिया क्या? उनके हाँ कर लहसुन प्याज ब्राउन हो गया तो मैं चौली डाल दूँ इसमें। ये देखिए कहाँ चले जा रहे हो? अरे 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 अरे, आके नहीं खुल रही। अभी मेरा बेटा उठ गया है सो के, आंख बंद किए ना ये भागते है आगे आगे। बाबू क्या हुआ? अब नीनी कर रहे थे, आप हमें छोड़ के कहाँ थे बाबू? हाँ कहाँ थे आप हमें छोड़ के? अरे वो इधर हॉल में क्यों आ रहा था ना, क्योंकि आप हमेशा हॉल में बैठी रहती थी ना। पर ये देखिए हम लगाए हुए हैं आज मेहंदी। रात को ना पता है मेहंदी कब लगाई थी मैं? 2 बजे, 1 बजे से, एक क्या, एक एक बजे से लगाना शुरू की थी मेहंदी में। 2 बजे तक मैं मेहंदी लगाई थी। आपने भी मेहंदी लगाई ना? ज्यादा चढ़ गई है आपके इसके जितनी। हमें ना मेहंदी लगाना बहुत ही पसंद। इसमें ना हम गरम मसाला भी डाल दिए थे, क्योंकि रुद्र को दूध दिए थे, रुद्र ने ना सारा दूध फेंक दिया। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। टमाटर डालूंगी सिर्फ ना, आधा टमाटर में डाल रही हूँ। टमाटर ना बड़ा महंगा हो रखा है और क्या बताऊँ मैं। और पता है अदरक भी ना 60 रुपये पाव हुआ है। अदरक के बिना भी नहीं चलता ना, तो टमाटर के मतलब जिसके बिना नहीं चलता ना, वही सब्जियां ना महंगी हो रखी हैं इस समय। अभी तो मैं अदरक लाई थी, मेरा अदरक है, टमाटर नहीं। मेरे पास 2-3 टमाटर सिर्फ था और महंगा भी कितना है। सोच रही हूँ नहीं खरीदूँ क्या, लेकिन चलता ही नहीं है। इसको ना नमक हम डाले हैं, अब इसको ना मैं पकाती हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे हम चावल भी चढ़ा दिए हैं। सोच रही हूँ ना मैं पूरी उड़ी नहीं बनाऊँ ना तो पराठा, ये जो पूरी मैं बनाई थी ना यही ख़त्म हो जाए, यही ये लोग खा लें वही बहुत है। और ये जो आटा बचा हुआ है ना, ये आटा मैं सोच रही हूँ ना शाम को रोटी में बना लूँगी। बस यही सब्जी चावल बना लेती हूँ मैं। ये देखिए आधा टमाटर हम काट के ना रख लिए, बचा बचा के यूज करेंगे। जो 2 टमाटर मेरे पास है ना 4 दिन चलेगा। इसको मैं ना यहाँ रखूँगी बचा के। पता नहीं सस्ता कब होगा टमाटर और अदरक।
बहुत महंगा हुआ, सच में बहुत महंगा हुआ। मतलब जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, हम भी नहीं खा सकते भाई इतना महंगा, मेरे पास नहीं इतना। ये धोया था क्या? धो के रखी है, पूरा ना दूध महक रहा है इसमें। इसको ना निरमा डाल के धोना पड़ेगा, नहीं तो ना जहाँ भी धोंगी ना इस पर ना धब्बा धब्बा रहेगा, ना वाइट वाइट दिखता है। इसके लिए ना मैं दूध रख के गई और उसने टेबल पे मारा। मैं पूछा जब मारती हूँ ना तो इसे ना झुक झुक के देख देख के मारती, देखो कैसे ना दूध था ना सब, देखो कैसे लगा हुआ। अभी ना मैं निरमा घोल के ना इसे पोछा मारूंगी, चल रही हूँ, नहीं तो ना ये साफ नहीं होगा, धब्बा ऐसे ही रहेगा। पूरा दूध ना एक गिलास का ना पूरा ये फेंक दिए। अभी फिर क्या बाबू, क्या दिखा दूँ, हमें बोल रहे हैं लाइट जला के दिखा दो। इनका दूध ना मैं फिर से ठंडा की हूँ, दूध इससे ज़्यादा था, दूध पूरा नहीं पी पाते हूँ, जितना हम दिए थे ज़्यादा था। इनका ना हॉर्लिक्स ख़त्म है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। आज दो दिन से मैं डीमार्ट ही नहीं गई। लो पी लो, पी लो, पक्का इनका मुंह देखी पक्का लाऊंगी मैं खरीद के, पक्का लाऊंगी मैं खरीद के। हमें ना बहुत परेशान कर रहा है हॉर्लिक्स, क्या आऊं? हाँ बुला रहे हैं, आओ आओ दिखाओ, दिखा दिया। देखो बाबू ने यही दूध गिराया था सारा। हाँ ठीक है बैठ जाती हूँ, बोल रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए। अब देखिए हाथ से कैसे रगड़ रहे हैं वहाँ पे, दिखा दिया। हाँ यहाँ पे देखो दूध है सब धब्बा। हमें ना डोंबिवली जाना है शिवा का सर दिखाने के लिए, क्योंकि आज स्कूल नहीं भेजे हैं और मंडे को डॉक्टर बुलाई थी। मैं यहाँ आके बैठी हूँ लेकिन अभी डॉक्टर ना बैठी नहीं है, 1:30 बज गए हैं, उनको बैठते बैठते ना 2 बज जाता है। बैठे आके चलिए दिखा के ना मिलते हैं आप लोगों से, क्या कहती है। फिलहाल इनको तो आराम नहीं है, 3 जुलाई को मैं दिखाई थी, अभी तो तब तो उनका 3 बार सर दर्द हो गया, बड़ा बड़ा भयानक। मतलब इनके दवा के अलावा ना अभी हमें दवा देना पड़ा, इतना ज़्यादा दर्द था। अभी मैं बात करूंगी डॉक्टर साहब को, देखते हैं क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं। अभी ना डॉक्टर आज नहीं बैठी, मैं लौट गई वहाँ से, बुला रहे हैं ये लोग कल आ जाओ। मैं बोली कर्जत से इतना दूर कौन आएगा, डोंबिवली यहाँ नहीं है, 1.5 घंटे का रास्ता लगाता है, इससे ज़्यादा लग जाता है, कम नहीं लगता। अभी ना हम यहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि ना जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं, 2:15 बजे की ना ट्रेन है, 2:35 पे भी है, लेकिन 2:15 बजे वाली मिल जाएगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। बाबू घर पे अकेला है ना, उसको छोड़ के ना कहीं मन नहीं लगता है। शिवा आगे आगे चला जा रहा है, बाबू की खुशी देखिए आप सब। हम आए ना बाबू के लिए परेशान, और बाबू ना मैं क्या है ना कि शिवा को यहीं रोड पे जहाँ आइसक्रीम लेती है ना सब्जी वाली भाभी है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ रोज शिवा को छोड़ के चली गई थी। सृष्टि को फोन करके बुला ली थी क्योंकि कुत्ता से डरते हैं ना रास्ते में, तो सृष्टि आई थी ना इनको लेके रूम पे चली गई, मैं वैसे चली गई डीमार्ट, और क्या है ना डीमार्ट चली गई और हम इनके लिए खाने पीने का सारा सामान लेके आई मैं डीमार्ट से। हम इनके लिए प्रकार ये सामान देख के परेशान है दौड़ है, अरे मम्मी मेरे लिए सब कुछ लाई है, बिठल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, देखो खोलता हूँ एक एक दफा ये उठा रहे हैं, मेरा है ये सब, इनका है, छूना नहीं, ये सब मेरा है। सृष्टि वो बाबू का पेंसिल है डोम्स का, रख दो, बाबू के लिए लाई हूँ, बाबू खेलता तोड़ता है ना वो तुम्हारा पेन, ये पूरा डब्बा का मेरे दिमाग से निकल गया। एक बार छोटा वाला और इस इतना बड़ा वाला, फिर अभी ये मतलब छोटे से बड़ा। बाबू हॉर्लिक्स के बिना ना दूध नहीं पी रहा था इसीलिए गई थी, और होता है ना डीमार्ट में जब चले जाओ बिने काम का सब खरीद लाओ, जरूरत बस इसी की थी, और वो दिख रहा ना उसकी, और फिनाइल की थी, फिनाइल नहीं लाए क्या, फिनाइल फिनाइल और हॉर्लिक्स लाना था, और ये सब ना डिमांड में जाने के बाद फिजूल का दिमाग में आता है।
मैं अपने लिए ना ये लेके आई, क्योंकि इतना ज्यादा मैं दौड़ भाग कर रही हूँ ना, हमें ना बड़ी दिक्कत हो रही है। हम चलो फर्स्ट टाइम ये पीने जाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम लाई अपने लिए, इससे पहले सब हो गया, जिसके लिए गई थी वही नहीं हुआ। इनका डॉक्टर डॉक्टर बैठे ही नहीं है आज, दिखा ही नहीं पाई, बड़ा टेंशन हो रहा है ना किसी से। चलिए देखते, मैं तो नंबर मांग रही थी, मैं नंबर दीजिए हम नंबर लेके बात करेंगे, बोले नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं मिलता ऐसे किसी को। उनके बहुत ना सच में टेंशन हो रहा है, बच्चों का स्कूल का भाई मतलब खाली गया, बच्चे स्कूल भी नहीं गए, इतना दूर गए, ये काम भी नहीं हुआ। तुरंत इसके पापा को फोन आया, इनके पापा बोले कि नहीं बैठेंगी तो लौट जाओ, या कहीं यहीं पे डॉक्टर मिल जाते ना तो इनको जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी ना उसी दिन मैं ले जाके दिखा दूंगी, रिपोर्ट तो आएगी। हम इस ब्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।